नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई नाला सुपारा से, जहां नाला सुपारा में एक तेज रफ्तार टैंकर ने पहले बिजली के खंभे को अपनी चपेट में लिया और उसके बाद सीधा एक ऑफिस में जा घुसा। अब तस्वीरें और विजुअल देख रहे हैं, तस्वीरें और विजुअल उसी घटना का है। घटना कुछ इस तरह हुई कि आज सुबह 8 बजे के करीब नाला सुपारा के संतोष भवन की ओर से एक तेज रफ्तार टैंकर नाला सुपारा तुलिंस की ओर आ रहा था। इसी दरमियान में यह टैंकर पहले बिजली के खंभे से टकराया और बाद में एक दुकान, जो कि बहुजन विकास आघाड़ी पदाधिकारी अमित वैद का कार्यालय बताया गया है, उसमें जा घुसा। तो आप तस्वीरें और विजुअल देख रहे हो, तस्वीर और विजुअल काफी कुछ बयां कर रही है कि किस तरह से ये पूरी की पूरी अनियंत्रित गति से चलता हुआ टैंकर दुकान में घुसा है। हालात यह हुए कि इस टैंकर को निकालने के लिए क्रेन को बुलाना पड़ा और करीब करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद यह टैंकर निकाला गया। हालांकि इस मामले में किसी की जनहानि नहीं हुई है और किसी तरह का कोई बड़ी अप्रिय घटना नहीं हुई है, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि वसई विरार अंतर्गत ऐसे कई मामले हो चुके हैं जहां बेकाबू टैंकर ने कई लोगों की जान ले ली है। इससे पहले के सालों में कई बार बेकाबू टैंकर की वजह से सैकड़ों लोग काल का घास बन गए और आज तो ही टैंकर ने हद ही कर दी। अब इसके बाद क्या प्रशासन इन टैंकर के ऊपर अंकुश लगा पाएगा, यह सवाल बड़ा है। इस घटना से संबंधित प्रत्यक्ष दर्शियों ने क्या कुछ कहा और सुनिए आगे के वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। ये आज सवेरे 8 बजे की घटना है और संतोष भवन की तरफ से बहुत तेजी से ये ट्रक आ रहा था। अब क्या पता इसका ब्रेक फेल था कि क्या पोजीशन था, इसकी जानकारी अभी तक मिल नहीं पाई है। और हमारे बहुजन विकास आघाड़ी की ऑफिस है अमित वैद जी की, जो कि लाइट का खंभा उसको देखते हुए ड्राइवर ने सीधा उसी में घुसा दिया और जो कि पूरा ऑफिस टूट गया है और पूरा टैंकर जाके उनके ऑफिस में घुस गया है। अच्छा, इसमें कुछ अंदरूनी घटना नहीं? नहीं नहीं, इसमें पब्लिक को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। पब्लिक ने ड्राइवर ने पब्लिक को बचाते हुए और कैसे भी करके वो टैंकर को साइड में किया, लेकिन नुकसान जो हुआ है किसी पब्लिक को किसी को नहीं लगा है। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क